बाबा साहब के चरणों में जो आज नमन करने के लिए काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं और उनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथियों, मैं सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। जिस समय पे ये प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था, मुझे 10 या 15 मिनट का मौका मिला था अपने भाव प्रकट करने का। मैंने साथियों सभी के भाषण भी सुने, सभी ने बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बोला, ऐतिहासिक बातें बोली, इतिहास में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या उन्होंने किया, क्या उन्होंने संदेश दिया, क्या उन्होंने उपदेश दिए। लेकिन साथियों, मैं यहां जो कहना चाहूंगा अंत में, उसका आखिर निचोड़ क्या निकला, उसका रस क्या है। बहुत भाषण सुनते हैं, टीवी के सामने डिबेट सुनते हैं, हम हर नेता की बात सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक मंथन करते हैं। मंथन के बाद यह पता चलता है कि हमारे ब्रेन में क्या तो उनके एवज में आया और क्या नेगेटिव बात रही जो हमारे माइंड ने ऑटोमेटिकली निकाल दिया। बाबा साहब के बारे में हम बड़े वर्षों से बड़े बड़े प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। साथियों, मैं भी अगर इस माइक को पकड़ के ले जाऊंगा तो हो सकता है आधा पौन घंटे इसी में निकल जाए, लेकिन मैं संक्षेप में जरूर कहूंगा, संक्षेप में ये कहूंगा कि हमने बहुत सारे समय पे आकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जन्म जयंती की है, ऑडिटोरियम में किए है, लेडी हार्डिंग के परिसर में और दूसरी जगह की है, सब एकत्रित हुए हैं, मैसेज दिया है, मैसेज लिया है लोगों से। लेकिन अंत में हमें ये सोचना चाहिए कि अगर अगले वर्ष हम यहाँ आए तो कुछ जो बाबा साहब से उपदेश मिले उनको व्यावहारिकता में कैसे डालेंगे, हम अपने जीवन में कैसे लाएंगे, अपने परिवार में कैसे लाएंगे उन चीजों को, जिस समाज में रहते हैं उस समाज में कैसे डालेंगे उन चीजों का अंश। हमारे डॉक्टर, नर्सिस, टेक्निकल स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, जो भी मिला जुला सारा स्टाफ है, जो स्तंभ है अस्पताल को चलाने के, उनके बीच उनके उद्देश्यों का क्या रिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्या पारिवारिकता बननी चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा अहम सोच लेके जाना है यहां से। और जब भी अगले वर्ष आए यहां तो ये जरूर कहें कि साथियों, इस सोच में से हमने एक सोच को टिक कर दिया, क्योंकि ये हमने एक्सेप्ट कर ली, वो अच्छे में, वो सचमुच में आप श्रद्धांजलि होगी और अपने आप को, मन को तसल्ली होगी। बातें हम बड़बड़ी कर जाते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हम सर्वप्रथम अपने आप को नहीं बदल पाते। कभी किसी, मैं चलो ये वाकया कभी बाद में सुनाऊंगा, लेकिन जब आदमी ये सोचता है ना कि मुझे ये करना चाहिए, ये अच्छा करना चाहिए, उसके बाद उस जगह से हटने के बाद वो उस बात को छोड़ के दूसरी बातों में लग जाता है। जहन तो आता है, उसके दिमाग में तो आती है कि यार ये अच्छा है, ये होना चाहिए। तो हमारा एक परिवार है, यहां सबसे पहले एक प्रेम भाव, सबसे पहले एक व्यवहारिकता, सबसे पहले पद को छोड़ के एक मानवता और मनुष्यता का जो इतिहास है वो सामने सामने होना चाहिए। उसमें कभी कटौती नहीं करनी चाहिए। आप एक अच्छे समाज की, आप एक अच्छे युग की एक शुरुआत कर सकते हैं। इतिहास तो औरंगजेब से लेकर आगे तक पढ़ते चले जाओगे, वहां अच्छाई कर दी, वहां बुराई कर दी, लेकिन हम कितने अच्छे बन जाते हैं, कितना दूसरों के काम में आते हैं, कितना दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, ये आज बाबा साहब की 127वीं जन्म जयंती पर प्रण करके जाएंगे कि हम सबके लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा रहेंगे। धन्यवाद सर।